नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। मौत का एक्सप्रेसवे, जी हाँ, यूपी के गाजियाबाद जिले में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है और दिल्ली एक मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और वहीं मृतकों में एक बच्चा और 2 दंपत्ति शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार में 2 परिवार सवार थे जिसमें 4 बड़े और 3 बच्चे थे। ऐसे में 5 लोगों की मौत के बाद दोनों ही परिवार के घरों में चीख पुकार मच गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार सभी लोग हरिद्वार से गाजियाबाद आ रहे थे, तभी रास्ते में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। यह हादसा थाना मसूरी क्षेत्र के मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है। साथ ही बता दें, हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और ऐसे में पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस हादसे की अब जांच कर रही है। तो बता दें, मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं कितना भयानक यह हादसा है और 5 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है और ऐसे में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। 2 परिवार गाड़ी में सवार थे और बता दें कि इस पूरे हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? यह हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हुई है, क्या कोई घायल भी हुआ था? देखिए पारुल, ये 7 लोग थे जो कि ऑल्टो K10 में सवार होकर हरिद्वार से चले थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कनावनी क्षेत्र में आना था, जो कि दिल्ली एक्सप्रेस वे जो है वहां पर इनकी एक यूं कहें कि ट्रक से भिड़ंत हुई है और उस वक्त तकरीबन रात के 10 बज रहे थे और मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 कपल थे और उनका एक मासूम बच्चा था जो कि तकरीबन 1 साल का बताया जा रहा है। साथ ही साथ 2 और मासूम बच्चियां हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा जो माहौल है वो गमगीन है क्योंकि 5 लोगों की मौत हुई है मौके पर। जितेंद्र, लेकिन जो ये एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह क्या बताई जा रही है? जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह क्या है? क्या तेज स्पीड में गाड़ी थी? देखिए पारुल, ये तेज रफ्तार का कहर है जिससे 5 लोगों को लील लिया है। फिलहाल इन की बॉडी का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम गृह पर तमाम परिजन मौजूद हैं इन मृतकों के। इनके साथ साथ एक मासूम बच्चे की मौत हुई जो तकरीबन 1 साल का बताया जा रहा है। साथ ही साथ 2 बच्चियां जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। कुल मिलाकर 7 लोग घायल हुए थे जिनमें से 5 की मौत हो गई थी, 2 जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं बच्चियां। 2 कपल थे, 2 रिश्तेदार थे ये आपस में, और ये हरिद्वार से चलकर दिल्ली एक्सप्रेस वे से गाजियाबाद के इंदिरापुर में पहुंचा था, लेकिन बीच रास्ते में ही इनकी मसूरी इलाके में इनके एक बड़ा हादसा हुआ, ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। फिलहाल ट्रक चालक और क्लीनर को दोनों को हिरासत में ले लिया गया पुलिस के द्वारा और इनकी जो कार है काफी क्षतिग्रस्त हो गई। जिस तरीके तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से कार पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है तेज रफ्तार में। जितेंद्र, देखिए जिस तरह से ये एक्सप्रेसवे है, काफी समय नहीं हुआ है इस एक्सप्रेसवे को, हालांकि लोगों को राहत जरूर देता है कि रास्ता जो है कम कर देता है, समय कम लगता है रास्ते पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे जो है वो कहीं ना कहीं इस घटनाओं में जो है इस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही है। इससे पहले भी की भी बात कर ले, ज्यादा समय नहीं हुआ है इस एक्सप्रेसवे को, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के एक्सीडेंट जो है वो देखे जा चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल पारुल, ये कहना ठीक हो पर लोग तेज रफ्तार में ही अपने वाहन चलाना पसंद करते हैं, लेकिन अमूमन तौर पर अगर ये दिल्ली की जगह पर, दिल्ली हो इस जगह पर, तो वहां पर कैमराज लगे हुए हैं और प्रॉपर जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी, पेट्रोलिंग पुलिस जो कि ट्रैफिक पुलिस है वो भी मौजूद रहती है। लेकिन एक्सप्रेस वे पर भी जाहिर तौर पर ऐसी पेट्रोलिंग जरूर होनी चाहिए और जो रफ्तार तेज चलाते हैं उनको खासतौर से रोकना चाहिए, उनका चालान होना चाहिए और इसी डर से तेज रफ्तार का इस्तेमाल नहीं लोग करेंगे। जितेंद्र, तो क्या ये नियम जो है वो इस एक्सप्रेस वे पर लागू नहीं है? क्योंकि अगर बात की जाए तो कैमरे तो शायद वहां पर भी लगे हुए हैं जो स्पीड गाड़ियों की, वाहनों की रिकॉर्ड करते हैं।
देखिए पारुल, वहां पर कैमराज हैं जो कि चालान काटते हैं, लेकिन वहां पर पेट्रोलिंग टीम होनी चाहिए जो कि इस तेज रफ्तार का जिस तरीके से कहर बरपा है, पांच लोगों की मौत हुई है, उस रफ्तार को रोकने के लिए पेट्रोलिंग टीम हो और उस वाहनों को ट्रैक करके उन्हें रोका जाए, उनको दंडित किया जाए उस वक्त, तो कहीं ना कहीं लोग उससे सबक लेंगे। वहां पर जो टोल है वो फिलहाल अभी चालू नहीं किया गया है, उस पे नहीं लोगों को करना पड़ रहा है, फिलहाल तेज रफ्तार से लोग वहां से गुजरते हैं। इसीलिए जितेंद्र, शायद यही वजह है कि तेज रफ्तार का कहर इस एक्सप्रेसवे पर देखा जाता है। बिल्कुल पारुल, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि तेज रफ्तार से ही लोग जाहिर तौर पर वहां से निकलते हैं और ये बड़ा हादसा भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे और उन्हें ट्रक नहीं दिखा होगा और ट्रक में जाकर ये पूरी की पूरी कार घुस गई, जो कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, पांच लोगों की मौत हुई है, दो बच्चियां जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, अपने आप में एक बड़ा हादसा है। हालांकि पेट्रोलिंग की कमी है वहां पर, अगर पेट्रोलिंग टीम वहां मौजूद रहती तो इस तरीके से जो तेज कारें चलती हैं, वाहन होते हैं, उनको रोका जा सकता, उनको दंडित किया जा सकता, और इस दंडित होने की वजह से खासतौर से लोग वहां ध्यान दें और तेज रफ्तार ना करें अपने वाहन की, जिससे कि ऐसी दुर्घटना ना हो। जी बिल्कुल जितेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद में ये बेहद ही दुखद हादसा हुआ है, जहां पर इस हादसे में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पांच लोगों की जान जा चुकी है इस पूरे हादसे में, और कार और ट्रक की सामने से टक्कर हुई जिससे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो बता दें गाजियाबाद में ये मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है, जहां पर कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना ज्यादा भयानक था, इस पूरे हादसे में पांच लोगों की जान जा चुकी है। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने जहरीली शराब के मुख्य आरोपी और 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आगरा में पिछले दिनों में जहरीली शराब से 18 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें थाना शमशाबाद, थाना जोकी और थाना ताजगंज गांव में 18 लोगों ने जहरीली शराब का सेवन करने के चलते दम तोड़ दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस जहरीली शराब को लेकर ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी, और ऐसे में देहात में लगातार लोगों के घरों और खेतों से कच्ची शराब और शराब बनाने की सामग्री की भी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी हेमंत ने बताया कि मनोज और दारा सिंह द्वारा कच्ची शराब बनाई जाती है और उसके बाद ठेकों पर उसकी सप्लाई की जाती है। वहीं पूछताछ के बाद कच्ची शराब की सप्लाई की चेन को तोड़ा जा रहा है, और ऐसे में साथ ही जो सप्लाई की चेन में शामिल हैं उनकी धरपकड़ के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो बता दें आगरा से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहरीली शराब का मुख्य आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिन आगरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद से ही लगातार पुलिस जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही थी, जिसके बाद अब ये पुलिस को सफलता मिली है और इस पूरी जहरीली और कच्ची शराब बनाने का जो मुख्य आरोपी था उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना डॉकी चतर का वांछित मुलजिम है, 25,000 के इनामी है, हेमंत है। ये दौकी चत्र में जो जहरीली शराब का कांड हुआ था उस पर वांछित अभियुक्त है, उनका दौकी थाना अध्यक्ष और एसपी ईस्ट और सीओ फतेहाबाद के नेतृत्व में उनकी गिरफ्तारी हुआ है। उनसे गिरफ्तार करके उनके साथ और दो लोग साथी भी, उनके साथ काम करने वाला भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके मेन अभियुक्त हेमंत है, उनसे पुलिस ने गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ किया कि कैसे कैसे उन्होंने जो जहरीली शराब कहाँ से मंगवाया और कैसे सप्लाई किया, उसके बारे में उन्होंने विस्तार पूछताछ में उन्होंने बताया है। खासतौर से एक जो अभियुक्त दो लोग हैं जो वांछित अभियुक्त है, मनोज और दारा सिंह का नाम लिया उन्होंने, वो दोनों जो जहरीली शराब बनाता है वो केमिकल ले आके और फैक्ट्री के तरफ से बना के सभी सप्लाई करते हैं। इस पर हेमंत और उनका जो गाड़ी का ड्राइवर है वो दोनों लोग वहाँ से माल ले आते, लेने के बाद सभी उनका टैका है, उनका नीचे हेमंत के नीचे लगभग 12 टैका है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि एक पति ने अपनी पत्नी और दो बेटों का धारदार हथियार से गला रेत कर उनको मौत की खाट उतार दिया है, और इतना ही नहीं हत्या के बाद
हत्यारे पति ने थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। पूरे इलाके में एक साथ तीन हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि पति ने रात में खाना खाकर सोने के बाद देर रात इस घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं मृतक महिला के परिजनों ने पति ने उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध का आरोप भी लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बता दें कुशीनगर का पूरा मामला है, जहां पर पति ने पत्नी और अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। साथ ही मामले की अब जांच में पुलिस जुट गई है। और साथ ही बता दें पुलिस को इस मामले की जब जानकारी दी गई तो पुलिस ने इस मामले में अब जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ कुशीनगर से दीपक मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला है, पति ने पत्नी और अपने बच्चे को ही मौत के घाट उतार दिया, वजह क्या थी? दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। शायद दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर पति ने पत्नी और अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं बता दें इस पूरे मामले में जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने पूरे मामले में जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस पूरे मामले की अब छानबीन और जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी है, जिसके बाद बता दें पुलिस ने गिरफ्तार कर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल ये घटना देर रात की है, जब पुलिस को चेकिंग के दौरान एक सूचना मिली कि कुछ बदमाश चोरी की योजना बना रखे हैं और सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ थाना हाईवे पुलिस सिवासा रोड माइनर के पास पहुंची और बदमाशों ने पुलिस को देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और ऐसे में फायरिंग के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं जब बदमाश गिरे तो जिन्हें उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और घायल होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल भी भिजवा दिया है। जबकि बताया जा रहा है कि ये दोनों बदमाश ट्रैक्टर चोरी और बाइक चोरी के मामले में पहले से ही पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। हाईवे थाना क्षेत्र में हुई है। यहाँ पे मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चोरों का एक गैंग था। ये गैंग जगराम गुर्जर से संबंधित गैंग है। इनके ऊपर कई मुकदमे पहले से भी हैं। ये मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चोरी करते हैं। आज इनकी सूचना मिली थी, ट्रैक्टर चोरी करने ये गैंग आया था। सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में असलम और साकिर नाम के दो बदमाश घायल हुए हैं। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल द्वारा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए गिरफ्तार लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने बलरामपुर की तरफ से आ रही दो बाइक को रोका गया और जब उन्हें रोका गया और बाइक के कागजात मांगे गए तो बदमाश कागजात दिखाने में आनाकानी करने लगे, जिसके बाद बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं होने से पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा, 12 बोर और एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया है। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत आज बहादुरपुर चौकी के पास चेकिंग हो रही थी और उसमें दो लोग मोटरसाइकिल पुलिस को देख करके मोटरसाइकिल से भागने लगे। बाद में उनके कागजात वगैरह मांगे गए तो वो नहीं दिखा सके। बाद में जब इस चीज़ों की जानकारी की गई तो पता चला कि ये तीन लोग वहाँ पकड़े गए, जिनके पास अवैध रूप से चरस और अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस 12 बोर और इन लोगों के पूछताछ के माध्यम से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।
अब खबर रामपुर से है, जहां पर कोसी नदी में सवारियों से भरी जुगाड़ू नाव पलटने के बाद महिलाएं और बच्चे पानी में डूबने लगे, लेकिन युवाओं और गोताखोरों की मदद से बच्चों और महिलाओं को बचा लिया गया। वहीं और एक और बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर नाव के ऊपर रखी दो बाइकों की तलाश अभी भी की जा रही है। मामला थाना टांडा और अजीम नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बता दें कि लालपुर कोसी बैराज और पसियापुरा कोसी घाट पर जुगाड़ू नाव बनाकर राहगीरों की को कोसी के दूसरे छोर तक पहुंचाया जा रहा था और लालपुर और सहरिया के तमाम युवा जुगाड़ू नाव से अवैध वसूली भी कर रहे हैं। बीते दिन दोपहर सवारियों से भरी जुगाड़ू नाव जिसमें खिजरपुर गांव की दो महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, कोसी नदी के बीच धार में जाने के बाद जुगाड़ू नाव पलट गई। हालांकि लोगों की मदद से कोई जनहानि नहीं हुई। तो रामपुर की ये पूरी घटना है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को बचा लिया गया। हालांकि पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बस्ती में बच्चों में वायरल फीवर की संख्या बढ़ रही है और हालात ऐसे हैं कि जिला अस्पताल में एक बेड पर दो दो बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल की कर्मचारियों लापरवाहियों से चिल्ड्रन वार्ड में अब एक भी बेड खाली नहीं है और बच्चों को बेड की जगह फर्श पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में बच्चों में सर्दी खांसी बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता अब बढ़ने लगी है। बता दें कि जिला अस्पताल में आए दिन बुखार से पीड़ित 40 से 50 बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल स्टाफ का कहना है कि जिला अस्पताल में प्राइवेट वार्ड और SNCU वार्ड के सारे बेड पूरी तरह से भर चुके हैं। ऐसे में जो नए मरीज आते हैं उन्हें हम वापस नहीं भेज सकते और उनका इलाज सीमित संसाधनों में ही करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ में डेंगू और वायरल के बढ़ते प्रकोप के चलते अब न्यूजीलैंड और अमेरिका की कीवी की मांग बढ़ती जा रही है। मांग बढ़ने से अब कीवी के दामों में भी भारी इजाफा हो गया है, जो कि पहले 20 रुपए प्रति पीस मिलती थी, अब वही कीवी 40 से 50 रुपए प्रति पीस मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही है। यानी कि डेंगू के डर से कीवी के दाम भी अब दुगने से ज्यादा हो गए हैं। इस समय मेरठ के फल विक्रेताओं के यहाँ मुख्य तौर पर न्यूजीलैंड और अमेरिका वाली कीवी बिक रही है। न्यूजीलैंड वाली कीवी अमेरिकी कीवी से साइज में बड़ी होती है, तो ऐसे में डेंगू और वायरल फीवर के बाद कीवी के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं और ऐसे में फल विक्रेता जो हैं उनकी कीवी बहुत ही ज़्यादा बिक रही है। कीवी की भैया जब से डिमांड बढ़ी है, जब से कोई ये डेंगू वगैरह चला है, इससे पहले कोई कीवी को जानता भी नहीं था, और अब ये लगा लो कि पूरे दिन में हम 60 कीवी 90 कीवी ऐसे बेच रहे हैं, मतलब ट्रे का हिसाब है। बहुत से लोग तो ट्रे ही ले जाते हैं, और वरना तो एक दो पीस जैसे एक नॉर्मल तौर पर कोई खाने के लिए कहता था कि भाई कीवी फल खाना है तो वैसे खाते थे, और जब से महामारी ये बीमारी चली है जब से लोग बाग कोई दूसरा फल खाते ही नहीं है। एक ये बीमारी में कीवी चल रही है, एक वो नारियल पानी चल रहा है। रेटों में कितना फर्क है? रेटों में भैया इसमें आया है, पहले ये 15-20 रुपए की मिलती थी कीवी, उसमें भी कोई 15-20 रुपए, हाँ जी पहले 15-20 रुपए का एक पीस मिलता था, अब 25 से सीधा 40 रुपए पीस हुआ है। कीवी बहुत ज़्यादा डिमांड है, पहले पर केजी में थी अब पर पीस में आ रही है। 120 रुपए केजी थी पहले, आज पर केजी पर 40 रुपए पीस, 35 रुपए पीस। अच्छा पहले अमूमन 20 रुपए की भी आती थी एक पीस? बिल्कुल, अब कितने की पीस? 40 रुपए पीस, डबल हो चुके हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। सर डबल हो गया बिल्कुल, अभी डेंगू का सीज़न है, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए रेट बढ़ रहे हैं सब चीज़ें। कीवी खाने से थोड़ी ना शरीर की एनर्जी डेवलप होती है, आप और भी एप्पल लोगे या कुछ और भी सेब लोगे कुछ भी चीज़, तो कीवी खाने से कुछ अलग ही फील होता है।
चमोली में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते जहां नदी नाले पूरी तरह से उफान पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर नाला बहने के चलते भारी मात्रा में यहां मलबा बहकर पहुंच रहा है। ऐसे में तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग की, जहाँ पर बारिश की वजह से हालात जो है लगातार खराब हो रहे हैं और ऐसे में भूस्खलन भी पहाड़ों पर लगातार हो रहा है। रुद्रप्रयाग में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है, वहीं बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन है और बद्रीनाथ हाईवे शिवनंदी, नारकोटा और सिरो बगड़ में आवाजाही के लिए बंद है। वहीं बता दें कि मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में बारिश की वजह से एक बार फिर से सड़कों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे बारिश के हालातों पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। वहीं मानसून सीजन में हर तहसील को सतर्क रहने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मूसलाधार बारिश का कहर, बारिश से जगह जगह पर हो रहे भूस्खलन जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। ये तीन तस्वीरें देख रहे हैं आप चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग की, जहाँ पर भूस्खलन और भारी बारिश का कहर जो है वो देखा जा सकता है। ऐसे में अब स्थिति इन तस्वीरों से ही साफ नजर आ रही है कि क्या पहाड़ों पर अभी स्थिति है। लगातार बारिश जो है पिछले दो से तीन दिनों से जारी है, ऐसे में पहाड़ों का सरकना, भूस्खलन होना, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में कई जगहों पर आवागमन जो है वो भी बंद हो गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।